सिंक क्लीन कर लेना चाहिए, नहीं तो जब एक साथ सिंक में जमा हो जाते हैं तो हेडेक लगता है मुझे, पता नहीं आपको लगता है। और मैंने ढेर सारा प्याज काट दिया है इसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि जेंट्स जब खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत ऐसा, मैंने क्लीन भी थोड़ा बहुत ये किचन टॉप कर दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करते हुए भी खाना बनाते हुए भी किचन टॉप थोड़ा सा मैसी पसंद नहीं है। तो हाँ मैंने प्याज भी काटा है, मतलब थोड़ा सा बरिश्ता और मेरे को निकाल के। ये कैसे आता है आज हम लोग आ जाएंगे क्या? चल सकते हैं लेकिन आज हम लोग थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना, बाहर पूरे हफ्ते नहीं जा पाते हैं, तो थोड़ा सा ये छुट्टी पे होते हैं तो उसे मन करता है ना कि जाओ बाहर थोड़ा सा सोसाइटी में, पार्क में है तो बहुत गर्मी। मैं नहीं जा पाता हूँ, मैं भी कहाँ जाती हूँ, आजकल फ्रेंड्स के साथ तो जाती ही नहीं हूँ, आजकल फ्रेंड्स के साथ नहीं जा नहीं पाती हूँ। और बाहर अकेले जाती हूँ जब सिर्फ एक बार ऐसे बाहर निकलती हूँ चली आती हूँ, मतलब घूम नहीं पाती। ये देखिए क्या हो गया। ओह नो, ओह नो, एक्चुअली मेरी भिंडी में मैंने ये हल्दी मिलाने के बाद ये डब्बा बंद करके ऊपर रख रही थी, तो डब्बा थोड़ा सा हाथों से बैलेंस उसका बिगड़ गया, तो मतलब गिरा नहीं, जमीन पे नहीं गिरा, मतलब मेरी हाथों से थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया, बैलेंस बिगड़ गया, तो मसाले ये एक दूसरे में मिक्स हो गए। तो अभी मुझे ये मेस भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस तरह से मेसी मेसी अच्छा नहीं लगता, तो मुझे इसको अलग करके, मैं फेंकूँगी तो नहीं क्योंकि डब्बे में ही तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लीन व्लीन करके दोबारा रखना पड़ेगा। चलो तब, और मैंने यहाँ पे ये चढ़ा दिया है, रोटी भी बनानी है, क्या क्या करूँगी, टाइम भी हो रहा है। चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर इसको, ये टाइम टेकिंग टास्क है इसको भी करते हैं। डिनर का टाइम हो गया, तो मैं सोचती थी कि थोड़ा सा भिंडी की जो सब्जी है उसके साथ थोड़ा सा ऐसे एग फ्राई कर लूँ, तो मैंने ये फ्राई करने के लिए उसी कढ़ाई में डाल दिया, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो इनको डिनर पे देती हूँ। और आज हम लोगों ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ, डिनर लेके चलती हूँ तो फिर बताती हूँ कि आज मैंने क्या किया। पहले ये डिनर इनको सर्व कर देती हूँ, क्योंकि इनके ऑफिस का भी टाइम है, उसमें ब्रेक है, ब्रेक में ही खाना खाएंगे, तो ये फटाफट हो जाए इसको निकाल लेती हूँ। ये क्या है पता है? ये एक्चुअली ये क्या है, खजूर, डेट्स जिसको बोलते हैं, खजूर है। और ये कहाँ से मुझे इतना सारा मिला है पता है? क्या हुआ था कि मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी ना इवनिंग में वॉक करने, तो जो बाहर का शॉप साइड का एरिया है ना, वो शॉप
वाले एरिया पे ना खजूर के पेड़ ऐसे लाइन से लगे हुए हैं, सारे पेड़ में ढेर सारे ऐसे खजूर ऐसे गुच्छों में लटक रहे थे, लगभग कई दिनों से लटक रहे थे। तो ये काम भी कर रहे तो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब भी हो रहा है शायद। तो बहुत लोग ले लेके जाते थे, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज निकालेंगे। एक्चुअली मैं तो इस सब से दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है पता नहीं कोई कुछ बोलेगा। तो वो लोग निकाले थे, तो एक्चुअली चारों लोग मिलके निकाले थे, तो चारों लोगों ने आपस में इसको डिवाइड किया, तो ये मुझे मिला। और मीठी है पता है, कुछ कुछ ये जो है पीली पीली ये अभी तक पकी नहीं है, लेकिन मीठी है, अच्छी है, मैंने खा के देखी। लेकिन इसमें ना वो जो पल्प है ना वो बिल्कुल कम है, और इसका जो अंदर का है ना वो जो हार्ड पोर्शन होता है गुठली वो ज़्यादा बड़ा सा है। तो मिला तब भी अच्छा है ना, पेड़ से तोड़ा हुआ खजूर। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, डिनर के बाद मेरे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा इडली बनाने के लिए बैटर, बहुत इनकी इडली खाने का मन हो रहा था, इनका भी मेरा भी, तो घर की बनी हुई, तो इसलिए सोच रही थी कि आज मैं इडली डोसा के लिए बैटर को सोक करूँगी, कल बैटर बनाऊंगी और परसों फिर फर्मेंट होने के बाद हम खा पाएंगे क्योंकि परसों इनकी छुट्टी भी है। तो नाप क्या होता है मैं सिंपली बहुत ही जल्दी जल्दी में बता देती हूँ कि चावल और दाल को अलग अलग भिगोए, क्योंकि आपको दोनों का जो पेस्ट बनाना होता है वो उसका टेक्सचर दूसरा दूसरा होता है। मतलब दाल बिल्कुल ही एकदम क्रीमी होती है और ये चावल बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा होता है। तो इसी जिससे भी नापे एक ही चीज़ से नापे, दाल और चावल दोनों को। तो रेशियो हमेशा 3:1 का होता है, 3 चावल तो 1 दाल। तो अगर इसका दुगना बनाना है तो 6 चावल और 2 दाल, ऐसे करिए। तो 1, 2 एग्जैक्टली 3 ही हुए मेरे, 3 चावल मैंने डाले हैं। और मैं आपको नाप दिखा देती हूँ, जो इसमें मेरे पास थोड़ी सी दाल है मैं इसको पहले ले लेती हूँ। और बाकी मैं नए पैकेट को खोल के रखी हूँ, मैं इसमें से ले लेती हूँ, एक ही बात है। तो ये आपका रेशियो होना चाहिए, ये आपका परफेक्ट और करेक्ट रेशियो है, 3:1। अगर ये दुगना होगा तो ये भी दुगना होगा, मतलब दुगना मतलब ये अगर 6 कप चावल लेते हैं तो 2 कप या 2 कटोरी दाल, अगर 12 चाहिए तो ये उसी तरह, अगर कम करना है तो उसको हाफ ऑफ करिए, अगर 1.5 कप चावल ले रहे हैं तो 1/2 कप उसको दाल ऐड करें, और दोनों को अलग अलग भिगोएं। बस इनको दोनों को अलग अलग धो के रात भर के लिए सोक करने के लिए रख दूंगी और कल बैटर बना लूंगी। अभी के लिए